गाइज आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है जोसा काउंसलिंग का। आपका 1 साल का या फिर 3 साल का जो वेटिंग टाइम था, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो टाइम आ चुका है। ठीक है, तो आपके सामने खुली है पीडीएफ, आप खुद देख लो शेड्यूल ऑफ इवेंट ऑफ जोसा 2021। ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो शुरू करते हैं, क्या क्या है इसके अंदर, कौन सी तारीख को क्या चीज होने वाली है। ठीक है, तो आपको जैसे पता है 15 सितंबर को जी मेन्स का रिजल्ट आ चुका है और जी मेन का जो रैंकिंग है आपको तो ऑलरेडी पता हो चुकी है। ठीक है, तो 15 अक्टूबर को जी एडवांस का रिजल्ट लगने वाला है। तो 16 अक्टूबर को जो आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और उसके अंदर आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर सकते हो उसी दिन। ठीक है, 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग चलने वाली है। फिर 22 अक्टूबर को चॉइस फिलिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो और उसी दिन 16 अक्टूबर को ही आपका जो AAT NA आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका भी रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तो उसी के साथ जो सा काउंसलिंग प्रोसेस चालू होने वाली है। ठीक है, तो 22 अक्टूबर को आपका जो चॉइस फिलिंग है, लॉक चॉइस लॉकिंग है, उस 22 अक्टूबर को डेट क्लोज होने वाली है। ठीक है, तो 22 अक्टूबर को उसी दिन जो मॉक शिस्ट एलोकेशन है, फर्स्ट वाला, जैसे कि राउंड अलग अलग होते हैं इसलिए वैसे ही दो मॉक राउंड लिया जाता है कि आपको प्रिडिक्शन हो जाए कि आपको कौन सी सीट मिलेगी कौन से कॉलेज के अंदर। ठीक है, ऐसे दो राउंड लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 22 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को। ठीक है, मॉक शीट एलोकेशन 1 और मॉक शीट एलोकेशन राउंड 2। ठीक है, 23 कैंडिडेट एज ऑन 23। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर 25 अक्टूबर को क्या होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा एम्स। ठीक है, 22 को बोला था मैंने, तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि 25 अक्टूबर को जो चॉइस फिलिंग का है ना, वो एंड होने वाला है। ठीक है, 2021 का। तो 26 अक्टूबर को जो आपका डाटा आपने अपलोड किया है वो वेरिफिकेशन डेट है 26 अक्टूबर को। आप उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो और आपको चेंजेस नहीं करना तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई चेंजेस हो गया, आपका नाम में गलती हो गया, फिर डेट ऑफ बर्थ में गलती होगा, तो आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 27 अक्टूबर को आपका राउंड फर्स्ट होने वाला है, वैसे ही 31 को ये लास्ट डेट है इसका। अभी इस राउंड के अंदर आपको कोई सीट अलॉट हो गई या फिर आपको कौन से ब्रांच अच्छा लगा या नहीं लगा, तो आप 31 अक्टूबर तक इसको रिप्लाई कर सकते हो या फिर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आपको अच्छा लगा ऊंचाई है तो आप फ्रीज कर सकते हो या फिर फ्लोट और स्लाइड आपके सामने ऑप्शन है वो कर सकते हो। ठीक है, तो 1 नवंबर को आपका राउंड सेकंड चालू होने वाला है, फिर वैसे ही जैसे फर्स्ट राउंड का था 31 अक्टूबर को खत्म होने वाला है, वैसे ही यहाँ पर 5 नवंबर को सेकंड राउंड खत्म होने वाला है। ठीक है, आप वहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको सेकंड राउंड के अंदर कौन सा सीट या फिर ब्रांच आपका कॉलेज अच्छा लगा होगा, ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच मिली होगी, ठीक है, जैसे आपको चाहिए, जैसे चॉइस फिलिंग के अंदर आपने फिल किया है कॉलेज और ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नवंबर को सेकंड राउंड खत्म होने वाला है। वैसे ही यहाँ पर पूरे के पूरे 6 राउंड होने वाले हैं, इस साल 6 राउंड होने वाले हैं। और ये PDF आपको चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा या फिर जोसा काउंसलिंग जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आपको ये PDF मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, और ये चलने वाली है 20 नवंबर तक। ठीक है, पूरा का पूरा जो जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल है 20 नवंबर तक चलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड राउंड, वैसे ही बात का फिर थर्ड राउंड है। देखिए आपके सामने थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड और सिक्स राउंड तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ आपको समझ में दिक्कत आ रही होगी या फिर आपके कुछ डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको जल्द से जल्द आंसर किया जाएगा। ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम ID पे हमें मैसेज कर सकते हो, shikshan.baba इस ID पे आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ये अपडेट अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट मिल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
इसका अलग सा एक अपडेट आ चुका है जोसा काउंसलिंग का, वो है पीडब्ल्यू के, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा एन राइट वाले सेक्शन में, या फिर आपको चेक करना है चॉइस फिलिंग कैसे करना है तो लेफ्ट वाला वीडियो चेक कीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेक करना है तो मिडिल वाला वीडियो क्लिक करना नहीं बोलना। तो मिलते हैं वीडियो के अंदर।